सो गाइस मई 15, 15 मई बहुत ज्यादा करीब आती जा रही है और हम सबके दिल की धड़कने बढ़ाती जा रही है, क्योंकि 15 मई है डेडलाइन व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की। सो गाइस आज की वीडियो मैंने इस चीज के लिए बनाई कि आपको मैं जरूर बताऊं कि अगर आपने एक्सेप्ट करी है तो क्या होगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करी तो आपका अकाउंट डिलीट होगा कि नहीं होगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस स्टार्ट करने से पहले कह देता हूँ, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो गाइस, बहुत ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि यार ये जो न्यूज़ है ना, ईच वन के पास पहुँचनी चाहिए, एवरी वन के पास पहुँचनी चाहिए, सबके पास पहुँचनी चाहिए। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी है क्या। तो गाइस जिनको नहीं पता तो मैं एक बार इधर दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ आपके पास मैसेज आया होगा, कुछ 4 या 5 जन को ये शुरुआत हुई थी इसकी, और इसकी डेट दी गई थी गाइस 10 फरवरी तक की। आपने अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करा तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। और व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर बताया गया कि तो जो आपका जो मीडिया वगैरह है वो व्हाट्सएप स्टोर रखेगा, आपके डाटा लीक करेगा। बहुत सारी बातें हुई थी, हमने भी बहुत सारी बातें करी थी, वो बातें करने के लिए इस वीडियो में हम नहीं बना रहे हैं, वो बातें करने के लिए आपको हमारी वीडियो पहले वाली देखनी पड़ेगी जो मैं इधर कार्ट में डाल रहा हूँ। सो गाइस वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और काफ़ी सारे लोग सिग्नल की तरफ भागे थे, तो काफ़ी सारे लोग टेलीग्राम की तरफ भागे थे, उसके लिए भी हमने स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी, अगर आप नहीं नहीं देखी तो मैं इधर एक और कार्ड डाल रहा हूँ, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अब गाइस आते हैं मेन मुद्दे पे कि भाई 15 मई को होना क्या है। अगर आपने एक्सेप्ट करी तो भाई मज़े में, जो आपका जैसा अकाउंट चल रहा है वैसा ही चलेगा, लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करी तो क्या होगा। गाइस जैसे है ना, ग्रेस ग्रेस मिलता है ना, ग्रेस पीरियड मिलता है ना, ग्रेस टाइम मिलता है ना, वैसे इसके अंदर आपको ग्रेस टाइम मिलेगा, आपका अकाउंट भाई डिलीट होना ही होना है, ये तो कन्फर्म्ड है। लेकिन 15 मई को आपने एक्सेप्ट नहीं करी तो आपका जो व्हाट्सएप है ग्रेस टाइम में चला जाएगा, और ग्रेस टाइम के अंदर आपको मैसेज रिसीव होंगे लेकिन आप मैसेज भेज नहीं पाओगे किसी को, आपको कॉल इनकम होगी, इनकमिंग कॉल्स होगी, मैं इनकम बोल दिया, इनकमिंग कॉल्स होगी, लेकिन आप आउटगोइंग नहीं कर पाओगे, वो भी एक सर्टन टाइम पीरियड तक, उसके बाद धीरे धीरे करते सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। और गाइज इसके साथ साथ आपका व्हाट्सएप भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। गाइज व्हाट्सएप ने एक बात और स्टेट करी, अगर आप आपने 120 डेट से अगर आप इनएक्टिव रहे, मतलब आपने 120 दिन तक व्हाट्सएप नहीं देखा, तो आपका जो है व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। सो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि आप सोच रहे हो कि इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गाइज अगर आपने एक्सेप्ट कर ली तो मैंने पहले बताया था बढ़िया, अगर डिक्लाइन कर दी तो ख़त्म, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो गाइस एक और बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो हाई कोर्ट के अंदर PIL चल रहा है व्हाट्सएप के अगेंस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी कुछ ऐसे, जो मतलब उसका रिजल्ट आना है 13 मई को, इसलिए वीडियो में पहले बना रहा हूँ कि 13 मई तक इसके आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट कर सकते हो, और जो 13 मई को होगा वो आपको 13 मई को ही पता चलेगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिजल्ट आता है कि व्हाट्सएप को अपने सारे सर्वर इंडिया में लाने पड़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ जो व्हाट्सएप के सर्वर्स होते हैं ना, जो जहाँ पे ओरिजिनेट हुए हैं व्हाट्सएप, जहाँ से बना था, व्हाट्सएप वहीं पर रहते हैं, सर्वर्स वहाँ पर रहते हैं, तो अगर हाई कोर्ट कह दे कि आपको सर्वर्स इंडिया में लेके आने पड़ेंगे, तो वो सर्वर इंडिया में लाएंगे या नहीं लाएंगे वो व्हाट्सएप के ऊपर है, या व्हाट्सएप डिसकंटिन्यू हो जाएगा या कंटिन्यू होगा, यह हमें 13 मई को ही पता चलेगा। सो गाइस बस यही था इस वीडियो के लिए, और गाइस बने रहना हमारे साथ, आपको पबजी या बैटल ग्राउंड मोबाइल के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो, बहुत सारी वीडियोस आ रही है अपकमिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, इसलिए गाइस श्योर यू सब्सक्राइब डाउन एंड हिट द लाइक बटन। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। खत्म।